दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय शर्मा जनरल स्टोर बरमार। यहाँ पर मनियारी व गिफ्ट आइटम्स की लंबी रेंज उपलब्ध है। हिमाचल अपडेट में आपका स्वागत है और अब खबर नूरपुर से। नूरपुर ब्लॉक के मेरका ढिन्नी डेढ़ गांव के लोगों ने फिन्ना सिंह नगर के काम को लेकर इतराज जताया और अपने आप को ढगा सा महसूस किया है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि पहले इस नहर के काम के लिए कहीं और सर्वे किया जा रहा था, पर ना जाने किसके प्रेशर के चलते बदल दिया गया। गांव वालों ने कहा कि हमें इस कार्य से कोई एतराज नहीं, परंतु अब जिस सर्वे के आधार पर काम किया जा रहा है, इससे हमारी उपजाऊ भूमि खेती करने योग्य नहीं रहेगी और हमारे बुजुर्गों द्वारा लगाए गए आम के फलदार पौधे और दूसरे पेड़ों को काटा जा रहा है। सरकार अगर सही ढंग से सर्वे करके यह काम करवाती है तो हमारे फलदार पौधे बच सकते हैं, क्योंकि हमारे खेतों के पास से नहर बन सकती थी। मेरे जहां फिन्ना सिंह नहर का जो काम लगा, मेरी जमीन से सर्वे किया है, वो मेरे मेरी अब्सेंस के दौरान इन्होंने सर्वे मेरी जमीन से बीच में किया है। और जो मेरे बीच जमीन में सर्वे किया है, वो वहाँ पर फलदार कुछ पुश्तैनी पेड़ जो है ना, इसकी स्टेट में आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है, लाखों का नुकसान हो रहा है। और ना ही मैंने जमीन का क्लेम लिया है, ना ही मुझे इन पेड़ों का जमीन का को क्लेम दिया है, जबकि इस नहर का सर्वे दूसरी तरफ से भी हो सकता था। वहाँ पर कोई नुकसान किसी का नहीं, इतना भारी नुकसान हो सकता था। मतलब अब ये सरकार बोलते हैं एक तरफ से, मतलब किसानों के हम दूसरी दुगने आए करेंगे, हमारे को उतने नुकसान झेलना पड़ रहा है, कंधार पर बस। तो आप सरकार से, शासन से क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं, हमें दूसरी तरफ से कर ले सर्वे इसको, मतलब हमारी जमीन को जो बोटे पेड़ आ रहे हैं उनको बचाया जाए। इस समस्या के चलते आपने किसी विभाग या कोई कार्रवाई की है अभी तक? मैंने तो नोटिस भी किया है विभाग को, मतलब फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना वाले को, सरकार तरफ को नोटिस जारी किया, मैंने कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया, पर क्या ये कहते हैं ये काम रुकेगा नहीं। मैं तो यही गुंजाइश करता हूँ कि हमारे को इस सर्वे को दूसरी तरफ किया जाए और हमारे जो किसानों को मतलब पेड़ आ रहे हैं वो उनको बचाया जाए, मतलब किसानों की मतलब थोड़ा मतलब उनको रिलीफ मिल जाए, मतलब ठीक है। और काफ़ी पेड़ जो है बाकी किसानों के भी इसके बीच में आ रहे हैं, नाम मात्र जो उनको वो क्लेम दिया गया मतलब जमीन का, मेरे को तो सभी नहीं जमीन का क्लेम, ना मैंने जमीन का क्लेम दिया, ना मैंने पेड़ों का अभी क्लेम कोई मेरे को दिया है। आज करने वाले लोग मेरे पास तो अभी कोई आया नहीं, पर मैं साइट में गया था तो कुछ ने मेरे को बताया कि हमारा लाइन इधर से कर लो या उधर से कर लो, हमारे को मतलब हमारा खेत दुफाड़ हो रहा है। तो भी उनका एक वहाँ प्रतिनिधि था जो लैंड लॉर्ड ने, मैं उसको पेमेंट हो गई है, जो हमने लैंड एक्विजिशन कर रखी है थ्रू लैंड एक्विजिशन ऑफिसर कांगड़ा के थ्रू, और पेमेंट भी उनको हो गई है। लेकिन वहाँ हमारा प्रोडक्ट बनेगा 10 से 15 मीटर हाइट पे जमीन के ऊपर, तो उसको खेत को तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी नहीं। तो जैसे मैंने उनको सोमवार का 3 बजे का टाइम दिया, तो वहाँ बैठ के उनसे बात करके उसको सुलझा दिया जाएगा। और ये